जी अनंत सिंह हमेशा रहते थे, एक अलग माहौल रहता था, क्या इस पर कुछ बदलाव लगा आपको? हो सकता है कि उससे ज्यादा वोट से जीतेगी, मार्जिन 30 से ऊपर जाइए, 30,000 से ऊपर जी। इस बार पहली बार उम्मीदवार उतारिए, लंबे समय बाद उम्मीदवार उतारे कहाँ, तो टिकट नहीं कोई ले रहा था, उनको मिल गया, वो अपना लड़ लिए, कोई टिकट नहीं ले रहा नहीं। आपने इस वीडियो को देखा, ये विवेका पहलवान हैं जो कि अनंत सिंह के आवास पर अभी मौजूद है और उन्होंने अनंत सिंह की जीत को लेकर के मुहर लगा दी है। उन्होंने कहा है कि ये उपचुनाव में अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी लगभग 30,000 वोटों से चुनावी मैदान को फतह करने वाली हैं। इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो बीजेपी के कैंडिडेट है उन्हें अंत समय में टिकट सिर्फ इसलिए दिया गया क्योंकि बीजेपी के टिकट पर कोई और चुनाव लड़ने वाला नहीं था, इसलिए बीजेपी ने अंत में सोनम देवी को अपना प्रत्याशी बताया। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि भले ही वो यहाँ पर मौजूद हैं, उनके समर्थक यहाँ पर मौजूद हैं, तैयारियाँ चल रही हैं जीत को लेकर के, लेकिन अनंत सिंह की कमी ज़रूर खलेगी। तो खैर, ये जो तमाम चीज़ें हैं ये अभी से तैयारियां शुरू हो गई हैं। कल बता दें कि कल 6 नवंबर है और कल मतों की गिनती सुबह से शुरू हो जाएगी, लेकिन उससे इतर अनंत सिंह के आवास पर आज यानी कि 5 नवंबर से ही भोज भात की तैयारी चल रही है और लगभग 20,000 लोगों के खाने पीने की यहाँ पर व्यवस्था की गई है। टेंट बनाए जा रहे हैं, मिठाइयाँ बनाई जा रही हैं, तरह तरह के सब्जियाँ बन रहे हैं, पुलाव बन रहे हैं, वो तमाम व्यवस्था की जा रही है जिससे कि जो यहाँ समर्थक आए उन्हें किसी भी तरह की परेशानी ना हो और वो जिस तरह से अनंत सिंह जनता की सेवा करते हैं उसी तरह उनके एब्सेंस में उनके जो लोग हैं वो जनता की सेवा करेंगे। आप इस वीडियो को सुनिए, अंत में विवेका पहलवान ने और क्या कुछ कहा है। करना है, क्या कयास लग रहे हैं, क्या अंदाजा है आप लोगों को? आप लोग पढ़े लिखे हैं, इतना समझदार हैं, देख रहे हैं पीछे क्या हो रहा है, पीछे जितना इंतजाम हो रहा है क्यों उस सब में होगा इंतजाम, हम लोग को सब है कि जीत रहे हैं। क्या वोटों का क्या मार्जिन रहेगा? मार्जिन 30 से ऊपर जाइए, 30,000 से ऊपर जी। सर, एक सवाल लगातार उठ रहे थे कि मुख्यमंत्री जी चुनाव प्रचार में इस बार नहीं गए, क्या उस पर उसका प्रभाव पड़ेगा क्या उस क्षेत्र में? ये कोई प्रभाव नहीं, भारतीय जनता पार्टी भी इस बार पहली बार उम्मीदवार उतारी है लंबे समय बाद। उम्मीदवार उतारे कहाँ, तो टिकट नहीं कोई ले रहा था, उनको मिल गया, वो अपना लड़ लिए, कोई टिकट नहीं ले रहा था नहीं। नीलम देवी इस बार मैदान में है जी, अनंत सिंह हमेशा रहते थे, एक अलग माहौल रहता था, क्या इस पर कुछ बदलाव लगा आपको? हो सकता है कि उससे ज्यादा वोट से जीतेगी, ज्यादा जी। अनंत सिंह की कमी खल रही है रेलवे? हाँ, कमी तो जरूर अंदर जब अंदर वो है तो खलबे करेगा, लेकिन सब पूरा पब्लिक पूरा कर दिया, मुकामा के पब्लिक पूरा कर दिया। क्या अनंत सिंह को पटखनी दे पाएंगे नीलम जी? जी जी, एकदम 100%, सोचिए नहीं, 10 वोट से देंगे, 10,000 से देंगे, वो हम तो नहीं कर सकते, लेकिन पटखनी देंगे।